ਵਿਰਸਾ ਲਾਈਵ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨੀ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉੱਤੇ ਤਿੱਖੇ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਤੇ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪਏ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, GDP ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੀ ਘੇਰਿਆ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਾਖੜ ਜੀ, ਰਾਵਤ ਜੀ, ਸਟੇਜ ਪੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕੇ ਵਰਿਸ਼ਠ ਨੇਤਾ, ਪਿਆਰੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਭਾਈਓ ਔਰ ਬਹਿਨੋ, ਪ੍ਰੈਸ ਕੇ ਹਮਾਰੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਆਪ ਸਭ ਕਾ ਯਹਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ, ਨਮਸਕਾਰ। 6 ਸਾਲ ਸੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਔਰ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲੋਂ ਮੇਂ ਉਨ੍ਹੋਂਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਕੇ ਗਰੀਬੋਂ ਕੇ ਲੀਏ, ਕਿਸਾਨੋਂ ਕੇ ਲੀਏ, ਮਜ਼ਦੂਰੋਂ ਕੇ ਲੀਏ, ਛੋਟੇ ਵਿਆਪਾਰੀਓਂ ਕੇ ਲੀਏ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਆ। ਉਲਟਾ ਜੋ ਗਰੀਬੋਂ ਕੋ ਮਿਲਤਾ ਥਾ, ਕਿਸਾਨੋਂ ਕੋ, ਮਜ਼ਦੂਰੋਂ ਕੋ ਮਿਲਤਾ ਥਾ, ਉਸਕੋ ਵੀ ਛੀਨਨੇ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਤੋੜਨੇ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। कुछ साल पहले 8 बजे नरेंद्र मोदी टीवी पे आते हैं और कहते हैं काले धन के खिलाफ लड़ाई है। 500 रुपए, 1000 रुपए का नोट रद्द किया। नुकसान किसको हुआ? नुकसान हिंदुस्तान के अरबपतियों को नहीं हुआ। लाइन में अरबपति नहीं खड़े थे, करोड़पति नहीं खड़े थे, लाइन में किसान था, मजदूर था, छोटा दुकानदार था, आम जनता थी, युवा थे, महिलाएं थी। आपने उनको अपना पैसा दिया, अपनी जेब से निकालकर आपने काले धन से लड़ने के लिए बैंक में अपना पैसा डाला, लाखों करोड़ रुपए। आपको कष्ट हुआ और फिर क्या हुआ? काले धन को कोई फर्क नहीं पड़ा। नरेंद्र मोदी जी ने सीधा आपका पैसा लिया और हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों का 3,50,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ किया सीधा। आपको शायद पता भी नहीं लगा क्योंकि अखबारों ने नहीं लिखा, मगर आपके पैसे से इन लोगों का कर्ज माफ हुआ। उसके बाद नरेंद्र मोदी आते कहते हैं हिंदुस्तान में एक टैक्स होगा, GST। अजीब सी बात है, प्रधानमंत्री ने कहा था एक टैक्स होगा और आज GST में 5 टैक्स, 28% तक टैक्स। प्रधानमंत्री ने कहा था टैक्स सिस्टम को सरल करेंगे, हुआ क्या? आज किसी भी छोटे व्यापारी से पूछिए, किसी भी दुकानदार से पूछिए, स्मॉल मीडियम बिजनेस वालों से पूछिए, GST से क्या हुआ आपको बताएगा। हम खत्म हो गए, हमें बर्बाद कर दिया और फिर कहेगा आज तक हमें नहीं समझ आई GST कैसे भरी जाती है, कब भरी जाती है। अब आप देखिए, बड़ा उद्योगपति होता है, उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं, उसे 10 अकाउंटेंट चाहिए, 10 मिल जाएंगे, 50 चाहिए, 50 मिल जाएंगे, 100 चाहिए, 100 मिल जाएंगे, 200 तो 200, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता।
वो आसानी से जीएसटी भर लेते हैं, किसी को रिश्वत देनी है रिश्वत दे देते हैं, और जो छोटा व्यापारी है दुकानदार है वो कहां से अकाउंटेंट लाएगा, हर महीने उसको जीएसटी भरनी पड़ती है, रिश्वत देनी पड़ती है, 5 अलग अलग टैक्स आते हैं, 28% टैक्स है, क्यों किया? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के सबसे बड़े 2-3 उद्योगपति की मदद करना चाहते हैं, इन लोगों के लिए नरेंद्र मोदी रास्ता साफ कर रहे हैं। पहला कदम नोटबंदी, दूसरा कदम जीएसटी, तीसरा कदम कोविड। कोविड में क्या करा? कहा 22 दिन में कोविड के खिलाफ लड़ाई जीती जाएगी। हो गए 22 दिन, जीत गए लड़ाई। अगर 22 दिन में लड़ाई जीती गई तो ये मास्क क्यों पहने सब लोग, अपना चेहरा क्यों छुपा रहे हैं? कोविड आता है, लाखों मजदूर भूखे प्यासे घर जाते हैं। मजदूरों ने मुझे कहा अगर ये 3-4 दिन रुक जाते हमें बता देते हम आसानी से घर पहुंच जाते, बिना पूछे इन्होंने सब कुछ बंद कर दिया, हमें खत्म कर दिया, मार दिया, जान से मार दिया। हमने उनसे कहा इनकी मदद कीजिए, बसों में ट्रेन में इनको घर भेजिए, दबाव डाला हमने, कुछ नहीं। मोदी जी से हमने कहा छोटे दुकानदारों की मदद कीजिए, स्मॉल मीडियम बिजनेस की मदद कीजिए, ये लोग देश को रोजगार देते हैं, अंबानी और अदानी रोजगार नहीं देते हैं, छोटा व्यापारी मिडिल साइज बिजनेस स्मॉल बिजनेस ये देते हैं, इनको इनकी रक्षा कीजिए, देश बर्बाद हो जाएगा, कुछ नहीं, एक शब्द नहीं। और कुछ ही दिन बाद सबसे अमीर लोगों का, अदानी का, अंबानी का, इन लोगों का लाखों करोड़ रुपए कर्जा माफ। उनका कर्जा माफ होता है कहते हैं इंसेंटिव है, इंसेंटिव है। और किसान के बारे में कहते हैं देखो सब्सिडी दी है इनको, उनको इंसेंटिव, आपको सब्सिडी। काम आप करते हो, खून पसीना आप देते हो, और आपका पैसा उनको। और अब कोविड के बीच हर व्यक्ति के घर में कोई ना कोई बीमार, और ये 3 कानून लाए हैं। आप सोचिए ये 3 कानून आज क्यों लाए? कोविड के समय किसान को, खेत मजदूर को, छोटे व्यापारी को क्यों मारने की कोशिश हो रही है? 6 महीने क्यों नहीं रुके? 1 साल क्यों नहीं रुके? क्या जल्दी थी? क्या हो जाता? मैं आपको बताता हूं, नरेंद्र मोदी सोच समझ के काम करते हैं। नरेंद्र मोदी सोचते हैं कि कोविड के समय अगर किसान और मजदूर के पैर में कुल्हाड़ी मारी तो कोविड के समय यह किसान और मजदूर खड़ा नहीं हो पाएगा, लड़ नहीं पाएगा, नारे नहीं लगा पाएगा, प्रोटेस्ट नहीं कर पाएगा, आंदोलन नहीं चला पाएगा। इसीलिए कोविड के समय इन्होंने ही काम किया है, नहीं तो 6 महीने रुक जाते। मगर इनको हिंदुस्तान का किसान नहीं मालूम, उसकी शक्ति नहीं मालूम। और अब हम किसान की शक्ति नरेंद्र मोदी को दिखाने जा रहे हैं, हम दिखाएंगे किसान के साथ खड़े होकर, हम दिखाएंगे, पूरा हिंदुस्तान दिखाएगा कि किसान में कितना दम है, खेत मजदूर में कितना दम है, छोटे व्यापारी में कितना दम। मोदी जी कहते हैं देखो
किसान अपना माल कहीं भी बेच पाएगा। ठीक है, मुझे एक बात समझा दीजिए, ये जो आपके खेतों के पास सड़कें जाती हैं, ये किस पैसे से बनती है? ये मंडी टैक्स से बनती हैं, सही बात, मंडी के पैसे से ये बनती हैं। जो किसान अपना माल गेहूं गन्ना सब्जी ले जाता है, वो सड़क कौन बनाता है? वो सड़क क्या अंबानी ने बनाई, वो अदानी ने बनाई क्या? वो सड़क मंडी टैक्स से बनती है। अब आप मुझे समझाइए, अगर आपने मंडी खत्म कर दी तो सड़क कैसे बनेगी? सड़क कैसे बनेगी? किसान अपना माल कैसे ले जाएगा? क्या वो सड़क अंबानी अदानी बनाएंगे? मुझे दिखा दो, एक उदाहरण दिखा दो जहां अंबानी ने या अदानी ने किसी गांव के पास रोड बनाई हो, मुझे दिखा दो, हिंदुस्तान में दिखा दो। और अगर बनाएंगे तो टोल लगाएंगे। और नरेंद्र मोदी कहते हैं किसान अपना माल कहीं भी खरीद बेच सके। ये सिस्टम है भाइयों और बहनों, जैसे चेन होती है, ये एक चेन है। एमएसपी, मंडी, प्रोक्योरमेंट का सिस्टम, ये एक चेन है। इस चेन को आपने कहीं भी तोड़ दिया तो पूरी की पूरी चेन खत्म हो जाएगी। और आज अगर किसान जिंदा है तो ये जो ढांचा है, जो चेन है, इसके कारण जिंदा है। ये चेन किसने बनाई? कांग्रेस पार्टी ने बनाई। और मैं ये भी कहता हूं कि चेन में कमी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि चेन बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया है, नहीं, कमी है, मंडियों में कमी है, कम मंडी है, इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी है, और साइलोज होने चाहिए, सड़कें अच्छी होनी चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो फिर नरेंद्र मोदी जी को सिस्टम को और बेहतर करना चाहिए। आपको लगता है कि किसान माल नहीं बेच पा रहा है तो 100 के बजाय हजारों हजार मंडी कर दीजिए, उसके गांव के बिल्कुल पास मंडी लगा दीजिए। मंडी क्यों? क्योंकि जब किसान मंडी में जाता है उसको ऑप्शन मिलता है, उसके पास अलग अलग व्यापारी होते हैं, एक के पास जाता है, दूसरे के पास जा सकता है, तीसरे के पास जा सकता है। अगर मंडी गायब हो जाएगी तो आपको बहुत सारे व्यापारी नहीं मिलेंगे, आपको पूरे हिंदुस्तान में दो लोग मिलेंगे, एक तरफ अंबानी, दूसरी तरफ अदानी। चुन लेना आप अदानी को बेचना चाहते हो तो इस साइड, अंबानी को बेचना चाहते हो इस साइड। और याद रखना, जब आपने अंबानी से खरीदी, जब आपने अंबानी को अपना गेहूं बेचा, उसने आपसे माल खरीदा, उसके बाद बातचीत नहीं होने वाली, उसके बाद कानून नहीं चलने वाला, उसके बाद आप सवाल नहीं पूछ सकते, उससे उसके बाद आप लड़ नहीं पाओगे। बंबई में रहता है, गुजरात में रहते हैं, आपके पास कोई रास्ता नहीं मिलेगा। मैं यहां किसानों के लिए, सिर्फ किसानों के लिए नहीं खड़ा हूं, मैं सिर्फ मजदूरों के लिए नहीं खड़ा हूं, मैं छोटे व्यापारियों के सिर्फ नहीं खड़ा हूं। मैं जानता हूं कि अगर यह भोजन का सिस्टम नरेंद्र मोदी ने तोड़ दिया और अंबानी और अदानी के हवाले कर दिया तो सिर्फ किसान नहीं, सिर्फ मजदूर नहीं, सिर्फ छोटा व्यापारी नहीं, पूरा हिंदुस्तान गुलाम हो जाएगा। जनता सोचती है किसान का मुद्दा है, छोटे व्यापारियों का मुद्दा है, मजदूरों का मुद्दा है, हमें इससे कुछ लेना देना नहीं। गलत है।
क्यों गलत है? क्योंकि जिस दिन हिंदुस्तान का कृषि का सिस्टम इन दोनों के हाथ पड़ गया, किसान को भूल जाओ, मजदूर को भूल जाओ, छोटे व्यापारी को भूल जाओ, जो आज आप 10 रुपए के लिए खरीदते हो वो आप 50 रुपए के लिए खरीदोगे, जो आज आप 100 रुपए के लिए खरीदते हो वो आप 500 रुपए के लिए खरीदोगे, और कोई नहीं बचने वाला, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, छोटा व्यापारी हो, युवा हो, माताएं हो, बहन हो, सब के सब, कोई नहीं बचने वाला। ये और अगर आपको ये सच्चाई अच्छी नहीं लगी, अगर आपको ये सच्चाई अच्छी नहीं लगी तो मेरी बात मत मानो। कहो कि राहुल गांधी गलत बोल रहा है, वो भी मैं मान लूंगा, मगर मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपको सच्चाई बता दूं। आपको सच्चाई अच्छी नहीं लगी, ठीक है, कुछ मत करो, मगर याद रखना जो मैंने कहा, 2-3 साल बाद याद रखना हिंदुस्तान के किसानों, मजदूरों, छोटे व्यापारियों, और जब आप गुलाम बनोगे, याद रखना राहुल गांधी आया था पंजाब में, बोला था उसने हमें, अभी मानने की कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं, मत मानो, मगर फिर याद रखना, 2-3 साल बाद याद रखना, जब आपका खेत आपके हाथ में से निकल जाएगा, जब आपकी दुकान आपके हाथ में से निकल जाएगी, जब आपका भविष्य अपने हाथ से निकल जाएगा, फिर याद रखना, हां राहुल गांधी आया था, उसने बोला था। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मंडी को हटा दिया जाएगा। हिंदुस्तान में कितनी मंडियां हैं? हजारों मंडियां हैं। कितने हैं? 7,000 मंडी। मंडियों में किसान जाते हैं, छोटे व्यापारी होते हैं, मजदूर काम करते हैं, लोडर्स होते हैं, लाखों लोग इन मंडियों में काम करते हैं। नरेंद्र मोदी जी मुझे बताइए उनका क्या होगा? क्या अदानी और अंबानी और आप मिलकर उनको रोजगार देंगे? आपको लगता है कि अदानी जी इन लाखों लोगों को रोजगार देंगे? सवाल नहीं उठता, ये भूखे मरेंगे सब, ये भूखे मरेंगे सब। आपने छोटे बिजनेस को उड़ा दिया, दुकानदारों को खत्म कर दिया, मिडिल साइज बिजनेस को खत्म कर दिया, रोजगार देश को कौन देता है? ये लोग देते हैं। आज हिंदुस्तान अपने युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रहा है, और आप देखना 6 महीने रुक जाओ, 1 साल रुक जाओ, और फिर देखना क्या होता है। हिंदुस्तान अपने युवाओं को रोजगार नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि आपने इस देश की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। चाइना घुस गया अंदर, हिंदुस्तान की जमीन में आज चाइना बैठा हुआ है। आपके प्रधानमंत्री कहते हैं चाइना नहीं घुसा, 1200 किलोमीटर जमीन हमारी उठा के ले गया है। कैसे सपना देखा चाइना ने कि वो हिंदुस्तान की जमीन में घुस सकता है? मैं बताता हूं, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है। आज ये देश जो मनमोहन सिंह जी के समय 9% जीडीपी पे चलता था हर साल, आज ये -24% पे है। कहां 9% आगे की ओर, कहां 24% पीछे की ओर। जहां ये देश अपने युवाओं को रोजगार देता था, आज इस देश के युवा आगे पीछे दौड़ते हैं। भैया
नरेंद्र मोदी जी ने अपने मित्रों की मदद करने के लिए इस देश को नष्ट कर दिया है। अभी जनता को बात समझ नहीं आई, अभी ठहरिए, अभी थोड़ा ठहरिए, सब कुछ साफ हो जाएगा। यह देश अपने युवाओं को रोजगार नहीं दे पाएगा, किसान अपने बच्चों को खाना नहीं खिला पाएगा, और चाइना वहां रुकने वाला नहीं है। चाइना समझ गया है कि नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान को कमजोर कर दिया है, इसीलिए वो चाइना हिंदुस्तान की जमीन में खड़ा हुआ बैठा है। इसीलिए हमारे जवान, 20 जवान शहीद हुए, 20 जवान शहीद हुए। हमारा प्रधानमंत्री कहता है चाइना के लोग इस देश में नहीं आए, तो 20 जवान क्यों शहीद हुए? किसने मारा उनको? किसकी जमीन में थे हमारे जवान? चाइना में थे क्या? वो हिंदुस्तान में थे, तो हिंदुस्तान में थे तो किसने मारा उनको? हमारे 20 लोग कैसे मरे? प्रधानमंत्री कहते हैं हिंदुस्तान के अंदर, हमारी जमीन के अंदर कोई नहीं। किसान से कहते हैं पूरे हिंदुस्तान में अपना माल बेच पाओगे। देश से कहते हैं काले धन के खिलाफ लड़ाई है। छोटे दुकानदार से कहते हैं जीएसटी लो, और अंत में पूरा का पूरा पैसा इन दो लोगों को, ले अंबानी जी ले अदानी जी, ले अंबानी जी ले अदानी जी। और 24 घंटा ये मेरे प्रेस में बैठे हैं, 24 घंटा ये उनका काम करते हैं। इनकी गलती नहीं है, मैं इनको गलती नहीं दे रहा हूं, इनका कंट्रोलर किसी और के हाथ में है। ये बेचारे काम करना चाहते हैं मगर इनका कंट्रोलर इनके हाथ में नहीं है। इनका कंट्रोलर उन्हीं लोगों के हाथ में है जो आपका खेत छीनना चाहते हैं, उन्हीं के हाथ में है। और इसीलिए आपको टेलीविजन पे ना अमरिंदर सिंह जी दिखेंगे, ना राहुल गांधी दिखेगा, ना गडकरी जी दिखेंगे, ना ममता जी दिखेंगी, कोई नहीं, सिर्फ नरेंद्र मोदी दिखेगा। ये आपके देश की, हमारे देश की हालत है, ये हिंदुस्तान की हालत है। और देखिए, सच्चाई से कोई नहीं बचता। अगर देश को आंख बंद करनी है, सही बात, कर लो बंद। किसान को आंख बंद कर ली है, सही बात, कर लो बंद। मगर याद रखना, गुरु नानक ने जो कहा था, सच्चाई आपके सामने आएगी, सच्चाई से आप नहीं बच सकते। कभी ना कभी आपके सामने, चेहरे के सामने सच्चाई आएगी, और आपको आपको सच्चाई का सामना करना पड़ेगा, हमको सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। गुरु नानक ने कहा था, अभी आज सच्चाई का सामना करो, इसलिए वो आपके गुरु हैं, इसलिए उन्होंने हमें रास्ता दिखाया कि वो सच्चाई से नहीं डरते थे, सीधा जो था वो कह देते थे, चाहे कुछ भी हो जाए। और ये हिंदुस्तान का, हिंदुस्तान का और पंजाब का ये इतिहास है। हजारों साल से आप नहीं डरे, जब आपने सच्चाई देखी आपने उसको माना। ये रास्ता आपके गुरुओं ने आपको दिखाया, इस रास्ते पर आपको चलना ही होगा, इस रास्ते से आप उतर नहीं सकते। ये आपका धर्म है, ये आपके संस्कार हैं, ये आपका इतिहास है, ये मैं आपको बताने आया था। आप देश की रीढ़ की हड्डी हो, आप भूलो मत। कोई साधारण लोग नहीं हो आप लोग, आप इस देश की रीढ़ की हड्डी हो। आप लोगों ने
बाकी प्रदेशों ने नहीं, आप लोगों ने, पंजाब ने इस देश को भोजन दिया। जब यह देश भूख से मरता था तब पंजाब की जनता खड़ी हुई, पंजाब की जनता ने कहा हम हिंदुस्तान को भोजन देंगे। ओडिशा ने नहीं कहा था, मणिपुर मेघालय ने नहीं कहा था, उन्होंने दूसरे काम किए, मगर पंजाब ने कहा हम इस देश की रक्षा करेंगे, हम इस देश की इज्जत की रक्षा करेंगे और हम इस देश को भोजन देंगे। शायद 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 ये जनरेशन जो है, शायद ये जनरेशन भूल गई, शायद ये जनरेशन भूल गई, मैं सच बोलता हूं, शायद आज की जनरेशन है वो भूल गई। पैसा आ गया, रास्ते खुल गए, मगर ये जो आपके माता पिता थे, उनके जो माता पिता थे वो नहीं भूले थे। उन्होंने कहा था हिंदुस्तान को भोजन की जरूरत है, हम भोजन देंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, मगर भोजन देंगे। और आज ये प्रधानमंत्री जी आपसे आपका हक छीनते हैं, अंबानी को देने के लिए, अदानी को देने के लिए, और आप शांत बैठे हो, हरियाणा शांत बैठा है, मुझे बात समझ नहीं आ रही है, कैसे हो सकता है कि पंजाब के लोग बब्बर शेर गुरु के लोग देखते ही रह जाएंगे, उनकी जमीन छीनी जाए, उनका धन छीना जाए, उनका भविष्य छीना जाए, पंजाब के लोग देखते रहेंगे? क्योंकि प्रधानमंत्री अब अदानी और अंबानी को पैसा देना चाहता है, क्या हो गया आप लोगों को? नहीं ठहरो, आप लोगों को एक साथ खड़ा होना चाहिए, सिर्फ पंजाब को नहीं, पंजाब को, हरियाणा को, मध्य प्रदेश को, महाराष्ट्र को, गुजरात को, सबको खड़ा हो जाना चाहिए और कहना चाहिए नहीं, हम मानने को तैयार नहीं है, आप हमारी जमीन नहीं ले सकते हो, आप हमारा भविष्य नहीं ले सकते हो, हम नहीं लेने देंगे, देखो क्या कर दिखेंगे, क्या कर सकते हो। यह मैं आपसे कहना चाहता था, और यह भी कहना चाहता हूं मैं आपके साथ खड़ा हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं नहीं डरता इन लोगों से, जो भी आप मुझसे चाहते हो मैं देने को तैयार हूं। आप सबका आप सबको भैया शांत हो जाए, आप सबको मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं, और मैं जानता हूं इस देश को छोड़िए, इस दुनिया में कोई शक्ति नहीं है जो पंजाब के लोगों को, पंजाब के किसानों को, पंजाब के मजदूरों को, पंजाब के छोटे दुकानदार व्यापारियों को हिला सकती है। मैं जानता हूं कोई भी तूफान आ जाए, आंधी आ जाए, मगर पंजाब को कोई नहीं हिला सकता, मैं जानता हूं। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।